अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मटन अफ़गानी की लाजवाब रेसिपी। मटन अफ़गानी को दो स्टेप में बनाया जाता है। पहले स्टेप में हम मटन को गलाएंगे और दूसरे स्टेप में इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो हमने 750 ग्राम मटन को लेकर अच्छे से वॉश करके इसका पानी एकदम ड्राई कर लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून हमने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और एक छोटी सी प्याज को पीसकर इसका पेस्ट बना लिया है और 2 टेबल स्पून हम इसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे। तो सबसे पहले एक कुकर में हम मटन ऐड करेंगे और इसमें नमक, ऑयल, ये लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून और 2 टीस्पून ये प्याज का पेस्ट है, एक छोटी सी प्याज हमने पीस ली थी, और 1/4 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और अब हम कुकर को कवर कर देंगे और 3 सीटी लगाएंगे। हमें मटन को 80% तक गलाना है। 3 सीटी आने के बाद अब हम कुकर को खोलकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए मटन में थोड़ा सा पानी है, तो जो ये पानी है इसे हम फ्लेम को हाई करके ड्राई कर लेंगे। इस पानी को हम बिल्कुल सुखा लेंगे। ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल दिखने लगा है। अब इस ऑयल में हम मटन को 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट तक हमने मटन को फ्राई कर लिया है, पानी एकदम ड्राई हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और मटन को ठंडा करने के लिए रख देंगे। और जब तक मटन ठंडा होता है तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे। मटन की ग्रेवी बनाने के लिए 200 ग्राम हमने फ्रेश क्रीम ली है। इसकी जगह पर आप दूध की मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। और 200 ग्राम ही हमने दही लिया है। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ली है, इसे हमने ड्राई रोस्ट करके क्रश कर लिया है। 1 टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च है, 2 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है। ये 3 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर हमने इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 2 छोटे साइज़ की प्याज हैं, इन्हें भी रफली काट लिया है। 20 से 25 लहसुन के जवे हैं, 4 से 5 हरी मिर्च हैं, इन्हें भी हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इन सबको हम एक मिक्सिंग जार में डाल लेंगे। और ये एक मुट्ठी हरा धनिया है, मोटा मोटा कटा हुआ। हरे धनिए को हमने डंडियों के साथ लिया है, डंडियों में भी फ्लेवर होता है। और इस हरे धनिए को हम जार में ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इनका बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए सभी मसाले अच्छे से पिस गए हैं। अब इन्हें हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसी जार में हमने क्रीम को फेंट लिया है और क्रीम को हम मसाले में मिक्स कर लेंगे। और इसी जार में हम दही को भी फेंट लेंगे। ये देखिए दही को भी हमने हल्का सा मिक्सिंग जार में चला लिया है ताकि इसके लम्स निकल जाएं। इसे भी मसाले में ऐड करेंगे। हरा मसाला, दही और क्रीम के साथ साथ हम बाकी के मसाले भी ऐड करेंगे। काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, ये कसूरी मेथी है, इसे हमने रोस्ट करके क्रश कर लिया था, हाथ से बारीक कर लिया था। 1/2 टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे। नमक हमने मटन को उबालते वक्त भी डाला था और चाट मसाले में भी नमक होता है, तो इसलिए आप नमक को केयरफुली ऐड करें। और अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इस मसाले में मटन जो हमने ठंडा करने के लिए रखा था उसके सभी पीसेस ऐड करेंगे। सभी मटन के पीसेस और जो थोड़ा बहुत मसाला था वो हमने ग्रेवी में ऐड कर दिया है। और अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे और उसके बाद हम पीसेस को फ्राई करेंगे। अब एक कढ़ाई में हमने 1/2 कप ऑयल को हाई हीट पर गरम कर लिया है। अब इस ऑयल में हम मटन के पीसेस को फ्राई करेंगे। मटन के पीसेस को हाथ से झटक कर उठाएंगे ताकि ग्रेवी जो है वो पीसेस पर बहुत ज़्यादा नहीं लगी रहे। और एक बार में कम से कम 6 या 7 पीस ही फ्राई करेंगे।
थोड़ी देर के बाद यानी 1 से 1.5 मिनट के बाद पीसेस की साइड चेंज करेंगे। देखिए पीसेस पर हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आने लगा है, हमें ऐसा ही चाहिए था। ये देखिए सभी पीसेस दोनों साइड से फ्राई हो चुके हैं, अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है इन पे। चार से पाँच मिनट लग जाते हैं पीसेस को फ्राई होने में। अब इन पीसेस को हम तेल में से निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। अब इसी तरह से हम बाकी के मटन के पीसेस जो हैं उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। एक साइड से पीसेस सिक चुके हैं, अब इनकी साइड चेंज कर देंगे और इस साइड से भी सिकने देंगे। अब एक दूसरे पैन में हम 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल को गरम करेंगे। ऑयल के गरम होने पर हम उसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग और 3 छोटी इलायची डाल देंगे और इसमें हल्की हल्की खुशबू आने तक फ्राई करेंगे। और अब इस ऑयल में हम ये ग्रेवी डाल देंगे। इसमें से हम मटन के पीसेस तो निकाल कर फ्राई कर चुके हैं और अब इस ग्रेवी को हम कढ़ाई में डाल देंगे अच्छी तरह से साफ़ करके। बाउल को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। अब इस ग्रेवी को हमें पकाना है, इसको हम कवर कर देंगे क्योंकि ये उछल कर बाहर आ जाती है। अब कम से कम हम इसे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 10 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होने लगा है, पानी जो भी था ग्रेवी में वो सब ड्राई हो गया है। ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो गई है लेकिन अभी थोड़ी कसर बाकी है, अभी हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। अब थोड़ी देर के बाद हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए ग्रेवी बहुत शानदार बनी है, एकदम परफेक्ट है, हमें ऐसी ही चाहिए थी। अब इस ग्रेवी में ये फ्राई किए हुए मटन के पीसेस ऐड कर देंगे और मटन के पीसेस को ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मटन की चाप्स होती हैं, इसमें बोन ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से स्पून चलाना ज़रा मुश्किल होता है। अब थोड़ी देर हम ग्रेवी के साथ मटन को भून लेंगे। थोड़ी देर ग्रेवी के साथ मटन को भून लिया है, ये देखिए ऑयल दिखने लगा है, मटन जो है अच्छे से मसाले में मिक्स हो चुका है। अब हम ग्रेवी रखने के लिए इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे क्योंकि ठंडा होने पर मटन काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए हमने इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड किया है। पानी में बॉयल आने के बाद हम मटन को ढककर थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें स्मोकी फ्लेवर देंगे। पाँच मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। अब इसके बीच में हम जगह बनाकर एक छोटी सी प्याली रखेंगे और इस प्याली में ये दहकता हुआ कोयला रखेंगे और इस कोयले के ऊपर हम थोड़ा सा बटर डालेंगे और बटर डालते ही हम इसे फौरन कवर कर देंगे ताकि मटन में स्मोकी फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और थोड़ी देर बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। अब चेक कर लेते हैं, धुआं ख़त्म हो चुका है। अब ये प्याली भी हम हटा देंगे। ये देखिए बहुत अच्छी ग्रेवी बनी है मटन अफगानी की, अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए व्यूवर्स, बहुत ही शानदार
मटन अफगानी की रेसिपी बनकर रेडी हुई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।